लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कौन है अक्षय बम, कोई नहीं जानता अक्षय बम को। अक्षय बम नेता नहीं, बीजेपी में उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, सच मानो तो जी। क्योंकि हमने जो चुनाव लड़े प्रकाश चंद्र सेठी से लेकर महेश जोशी करके, अच्छे अच्छे नाम उस समय थे, तो वो देखा जाए तो ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अब वो क्यों आए बीजेपी में, क्या है, आवश्यकता तो हमें नहीं थी, हम तो जीत ही रहे थे, मगर आए क्यों, आए क्या है? मुझे मालूम नहीं, मैं आजकल घर में बैठी हूँ। और अब खबर भोपाल की, जहां मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के लिए एमपी का कोई नेता नहीं कर रहा है प्रचार, राजस्थान से नेता बुला रही हैं और उत्तर प्रदेश से मौलवी। राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह। देश और प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलेगी कांग्रेस, मम्मी की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी। सुनिए विश्वास सारंग ने क्या कहा। मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, भोपाल महत्वपूर्ण सीट, विदिशा, गुना, राजगढ़, कैसा रुझान देख रहे हैं? प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतने वाली है, कांग्रेस को ढूंढते रह जाओगे मध्य प्रदेश में भी और देश में भी। सर, आपका 400 पार का दावा है, आज गहलोत जी आए हैं मध्य प्रदेश में, राजगढ़ जा रहे हैं दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने, उनका ये कहना है कि मोदी की गारंटियों पे जनता को भरोसा नहीं है, इसलिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे, मतदान कम हो रहा है। अब देखिए, ये तो निश्चित हो ही गया कि दिग्विजय सिंह जी के लिए मध्य प्रदेश का कोई नेता प्रचार करने नहीं जा रहा, इसलिए आयात कर रहे हैं राजस्थान से, कहीं उत्तर प्रदेश से मौलवी बुला रहे हैं राजगढ़ में प्रचार करने के लिए दिग्विजय सिंह, या फिर कहीं और प्रदेश से नेता बुला रहे हैं। वो राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहते हैं, वो राजगढ़ में धर्म का विभेद करना चाहते हैं, जाति का विभेद करना चाहते हैं। जो व्यक्ति राजगढ़ को आजमगढ़ बनाना चाहता है, वो क्या कभी जीत पाएगा? वो व्यक्ति जो राम का विरोध करता है, राम मंदिर का विरोध करता है, जो हिंदू धर्म का विरोध करता है, हिंदू धर्मावलंबियों का विरोध करता है, जो जाकिर नायक जैसे आतंकवादी को शांति का दूत कहता है, वो दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा की नहीं जा सकती। अमेठी सीट कांग्रेस ने, गांधी परिवार ने छोड़ दिए, वहां से अब केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी रायबरेली। अरे देखिए, जहां जहां पैर पड़े तो संतन के तांता भंटा धार। यदि राहुल गांधी इतने ईमानदारी से राजनीति करते तो वायनाड लोकसभा सीट की मतदान के पहले घोषणा करते ना कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उस समय तो उन्होंने नहीं कहा। अब अमेठी से क्यों नहीं लड़ रहे? पहले उन्होंने अपने पिताजी की सीट अमेठी को बर्बाद किया, अब अपनी मम्मी की सीट रायबरेली को भी बर्बाद करेंगे। और 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति मम्मी की गोदी में बैठकर राजनीति करता, ये मैंने पहली बार देखा है। रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका डरपोकपन, उनका रणछोड़ दास की जो उनकी छवि है वो उसको स्थापित करता है रायबरेली। तो कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के दिग्विजय सिंह पर दिए बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की दुल्हा बनने की उम्र नहीं है, दो बार वो घोड़ी चढ़ चुके हैं, ये सबको पता है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह दुल्हा बन चुके हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार है। बनेगा तीसरे बार घोड़ी पे बैठने की अभी की उम्र नहीं है, बचना चाहिए। सज्जन वर्मा जी ने किस तात्पर्य में कहा है कि ऐसा कहकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अभी इस उम्र में घोड़ी पे बैठने लायक वो जनता में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। दो बार दूल्हा बन चुके हैं, तीसरी बार दूल्हा बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो झाबुआ लोकसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने विक्रांत भूरिया के बयान पर पलटवार किया और उन्हें भुगतने की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में विक्रांत भूरिया लगातार नागर सिंह चौहान और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं, डाकू चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्या के आरोप तक लगा रही हैं। जिस प्रकार मेरे बारे में बोल रहे हैं, बहुत भयंकर भुगते गाने वाले टाइम देख लेना, बहुत भयंकर भुगते। अभी तक पाला किसी से पड़ा नहीं है, पाला नागर सिंह चौहान से पड़ा, माधव सिंह डावर से पड़ा, क्यों उसको मालूम नहीं है ये कौन सी खेत की मूली है, इसको पता नहीं है। आखिर नागर सिंह जी के अंदर का डाकू जाग ही गया और जो बौखलाहट उनके चेहरे पर दिख रही है
ये हार की बौखलाहट है। जब उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर विक्रांत भूरिया को भुगतना पड़ेगा तो ये उनका अहंकार था। नागर सिंह जी, मैं भी डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, अच्छे अच्छों का इलाज कर दिया है, तो आप किस खेत की मूली हो। दतिया में मतदान को लेकर अनोखे तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया है। चुनाव आयोग के स्वीप प्लान के तहत निर्वाचन अधिकारियों ने कुसौली गांव में एक रैली निकाली। इस दौरान सीईओ कमलेश भार्गव ने बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे गांव में घूम घूम कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और सभी से निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। गौरतलब है कि पिछले दो चरण में मतदान प्रतिशत कम देखने को मिला है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग हर मतदाता से वोट डालने की अपील कर रहा है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी प्रचार अभियान में पटाखों के बीच एक कार्यकर्ता नाचने लगा। इस दौरान वो झुलस भी गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के दौरान पटाखे चल रहे थे और चलते पटाखों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता नाचने लगा। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ता को बचाया और इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, पुलिसकर्मियों ने कार्यकर्ता को किसी तरह बचाया है। ग्वालियर का ये मामला बताया जा रहा है, जब पटाखों के बीच एक कार्यकर्ता नाचने लगा। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता बीच में ही फंस गया पटाखों के बीच। वहां पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने इस कार्यकर्ता को बचाया। और अब खबर इंदौर से, जहां मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज हो गई है। सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी खारिज की है याचिका। पटेल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और खुद को कांग्रेस प्रत्याशी के लिए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिटीशन का रिव्यू करने के बाद याचिका खारिज कर दी गई है। मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज हो चुकी है। सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच ने भी यह याचिका खारिज कर दी। पटेल ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी, खुद को कांग्रेस का प्रत्याशी बताया इसमें, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसले को पहले तो सुरक्षित रखा और अब जब सुनवाई हुई, पिटीशन का रिव्यू करने के बाद याचिका खारिज कर दी गई है। तो चुनाव से पहले लगातार कई तरह के हलचल, और इस बीच मोती सिंह पटेल की याचिका खारिज हो गई है, यानी कि अब मोती सिंह पटेल को राहत नहीं है। लगातार इससे पहले भी याचिका डालकर उन्होंने अपने आप को कांग्रेस का प्रत्याशी बताने की कोशिश की है। मोती सिंह पटेल की याचिका को खारिज कर दी गई है। इससे पहले सिंगल बेंच ने खारिज की थी याचिका और अब डबल बेंच ने भी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी आपके पास इस मामले में? देखिए, मोती सिंह पटेल हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट में पहले सिंगल बेंच में उनकी याचिका की सुनवाई हुई थी दो दिन पहले। उस वक्त खारिज कर दिया था सिंगल बेंच ने, यानी सिंगल बेंच ने जब सुनवाई की तो उन्होंने कहा था कि आपके फॉर्म के साथ में 10 प्रस्तावक के हस्ताक्षर होना चाहिए था, जो नहीं था, इसलिए आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया था। आप सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट तब माने जाते हैं अगर आपके पास में 10 प्रस्तावकों के साइन भी होते। आपने फॉर्म पूरी तरीके से लीगल तरीके से नहीं भरा, इसलिए आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद वो वापिस हाईकोर्ट पहुंचते हैं, वापिस से याचिका लगाई जाती है जिसमें डबल बेंच से वो सुनवाई की बात करते हैं। डबल बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी है, यानी जो अब कांग्रेस की आखिरी उम्मीदें थी चुनाव लड़ने की, वो इंदौर से पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए।